हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मेघालय फूड सीरीज। प्रीवियस पार्ट में हमने मौसम के एंड वहाँ के वाटरफॉल्स देखे और आज हम जा रहे हैं डबल डेकर। गुड मॉर्निंग, डे 3। लेट्स सी आउटसाइड। इस वजह से पूरा पानी आ चुका है टेंट के ऊपर। सो अभी हो रहा है 5 o'clock टाइम। लेट्स गेट रेडी। अभी आज थोड़ा जल्दी जाना है। फटाफट रेडी होके निकलते हैं। ज़्यादा नहीं, वो तो ऐसे ऐसे हाथ में भी लग जाता है। ये ऐसे बाजू में जो रूम्स वगैरह है, यहाँ पे हमने हमारे डिवाइस से चार्जिंग को लगाए थे और साइड में एक वॉशरूम था। ऐसे हमने यहाँ पे 2 दिन स्पेंड किए, काफ़ी अच्छा लगा। और बारिश था रात में, फिर भी टेंट में हम रहे। वहाँ पे एक अलग ही अनोखा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली हम पहले जा रहे हैं अभी एक सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वहाँ पे, नोहकालिका वाटरफॉल। भैया इधर खाने के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह मिलेगा? कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप? I don't think so, it will be open this early. That's true. So, हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से नोहकालिका वाटरफॉल जाने के लिए 15-20 मिनट्स का रास्ता था। जब हम यहाँ पे आए तो भूख बहुत लगा था, तो फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। बट सीन ऐसे हुआ कि बाहर पूरा फॉग था, लिटरली फुल अंधेरा। तो इसीलिए हम वहाँ से वापस आए, वो वाटरफॉल हमें देखने के लिए नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम आगे जाते हैं। फिर आने के बाद में यहाँ पे एक वाटरफॉल का व्यू देखा है। पूरा ड्रोन शॉट लेने के बाद में पता चला कि ये तो डायनथन वाटरफॉल्स है, जो कि हमने कल किया था। प्लान में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। कल रात को हमने चेरापूंजी में रहने की जगह पे इधर आना चाहिए था, इस गांव में जहाँ पे अभी जा रहे हैं हम। तो हमारा और एक डे यहाँ पे सेव हो जाता। बट इट्स ओके, इट्स अ जर्नी एंड हर एक जर्नी से हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। अगर मेघालय विजिट करना चाहते हो तो बारिश के समय में एक आधी बार तो जरूर आना। How far it is? 1.5. 1.5 hours. If you go normal speed. Paidal. हाँ, पैदल। In Marathi also we say पैदल. हाँ? Marathi language we say पैदल. So we came to the parking of this. What is the name of place? This? Mawla. Mawla Khair. Mawla Khair. Mawla Khair. सो ये विलेज से अभी जो है 1-1.5 घंटा हमें ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है गाड़ी पार्क करेंगे। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है मैंने। यहाँ पे जो है तो थोड़ा बारिश की वजह से मिट्टी था नीचे, तो गिरने का चांसेस था, तो इसलिए पीछे पार्क करती है। अभी जो है यहाँ से ट्रेल करके नीचे जाना है हमें। सो लेट्स गो। दिस इज योर होम। So started the trek. Yes. How you feeling? Josh, hi. Hi. Bye bye. This is the way we need to go back. Oh, there is a small village also there. Oh, look. that guy was saying that there were two routes to go to the double decker, and obviously one is difficult, one is easy. So we took difficult one, and obviously we are going from difficult route. Wow! तालिया संभल के भाई, गिर मत जाना, ठीक है? So this is how it look like. You'll get stairs from both sides, but this route has smaller stairs compared to the another route. 2010 बना है, अभी इधर का थोड़ा है ना क्राउड कम हो गया है, बट जगह बहुत सुंदर है। देखो इधर पानी कितना मस्त गिर रहा है। ऐसे गाँव वालों ने मस्त ऐसे कुछ कुछ चीज़ें लगाए थे, जो कि अब जंगल में जो पानी आता है पहाड़ों से, वो पीने के लिए या बॉटल भरने के लिए यहाँ से वो पाइप से ले सकते हो। कैसा लग रहा है भाई? इन भाइयों का, हाँ भाई, इनको तो जानते होंगे। दो चार दिन से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ बस समझ जाओ, ठीक है? प्रफुल्ल अग्रवाल। हाँ, माय नेम इज जुएल फ्रॉम कोलकाता। And you? My name is Jembi Amjada Singh. Okay. And you? Shubho. From Kolkata. अच्छा हाँ, this one. वो और भी dangerous था. हाँ, it was quite risky here. Yeah, YouTube channel है. हम लोग तो देखा है क्या? चाय मिलेगा? नाइस, ऑसम। मैं YouTube का कंटेंट नहीं दे पा रहा ना। कंटेंट तो देना चाहिए तुम्हें। नो वायलेंस कोशिश कर रहा हूँ देने की। ये 2-3 घर थे यहाँ पे, और ये कुछ जो पुराने घर लग रहे हैं, यहाँ से लोग ऊपर गांव में रहने के लिए गए थे। जब बात किया तो पता चला। और ये नज़ारा देखो, यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्लाउड्स इतने सुंदर दिख रहे थे ना यहाँ पे। ब्यूटी देख रहे हो, धूप तो बहुत है। 11:30 बजे ये कोलकाता का टाइम है भाई, 12 बज गए होंगे। अभी जो है तो लगभग मेरे ख्याल से 50% ट्रैक हो गया होगा, ऐसे लग रहा है। लेट्स गो डाउन। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा 3rd डे इन मेघालय, मेघों का राजा मतलब मेघालय, बिकॉज़ यहाँ पे सब जगह पे सब मेघ ही मेघ दिखेंगे आपको। बादलों का राजा, मेघों का राजा मेघालय। क्या बताया आपको, इतना मस्त लग रहा है ना। क्या ये जंगल का है ना पूरा ट्रैक है, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाइज है। वो भी मतलब वो ऐसे नहीं कि कुछ कृत्रिम वगैरह बनाया है, एक्चुअली जो नेचर में रहता है ना वो वाली बटरफ्लाइज। बट बटरफ्लाइज को तो कैप्चर करना मुश्किल है, इधर उधर भाग रहे हैं सब, और कैमरे में आएंगे भी नहीं है। बट कल एक जगह पे मैंने शूट किया था जूम करके एक दूसरे कैमरे से, शायद उसमें आप नहीं देखा होगा। और ये देखो, मतलब इतना घनेरा जंगल है ना पूरा, और ये पूरा जो इंसेक्ट्स है उनका आवाज़, ये जंगल का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे मैंगोज़ के ट्री वगैरह भी है। ओके, लेट्स गो डाउन। लगभग 1 घंटे के बाद में जो रेलिंग है साइड में दिख रहा है आपको, रेलिंग और जो पीछे दिख रहा है स्टेयर, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अभी जो है हमें लगा है ये नॉर्मल रूट, दिख रहा है दिखाता हूँ। वैसे है अभी असली नेचर वाला रूट है। चलो लेट्स गो। भाई जब ग्रुप में चलते हैं ना, जब ग्रुप में चलते हैं तो ऐसे आवाजें करना पड़ता है, सो दैट पता चलता है कि बाकी लोग कहाँ पे है। भाई थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइट हो गया था। आई गेस 20% इज देयर। लेट्स गो। बांग्ला भ्लगे থাকলে ভালো লাগে। খুব কষ্টদায়ক কিন্তু ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। আপনারা অবশ্যই আসবেন, যদি মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে আসেন অবশ্যই এই যে ডবল ডোল ডবল ডেকা রুটে অবশ্যই আসবেন। 4000 সিঁড়ি বেয়ে अपना नीचे जाबें पहाड़े नीचे। ह्यूज ट्री। गोंगल गाय फ्रॉम मेघालय, न्यू कलर। सो गाइज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 11 बजे ट्रैक चालू किया था, अभी 11:15 बज रहा है। आई डोंट नो कितना दूर है। यहाँ पे डबल डेकर को आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो है तैरनाई विलेज, वहाँ से 300 स्टेप्स है, वो लेके हमें डाउन आना है। नॉनग्रेट बोल के एक विलेज है वहाँ पे। और उसके बाद में जो है दूसरा रूट जो है वो दूसरा जिस विलेज से हम आ रहे हैं, तो ये एक रास्ता है। यहाँ से भी काफ़ी सारे स्टेयर्स है, कितने हैं मैंने काउंट नहीं किया है और या पता नहीं कितने, तो किसी से पूछ के वो वीडियो में यहाँ पर मैंशन कर दूँगा। और ये जो मतलब डबल डेकर है, ये लिविंग रूट जो है, तो यहाँ पे डबल डेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 बनाए हैं, एक के ऊपर एक। और ऐसे ही और एक सिंगल रूट भी है उसके आगे, बट डबल डेकर जो है वो यहाँ पर का फेमस है। और आप यहाँ का जंगल का आवाज़ सुन रहे होंगे कैसे है, तो राइट। सो लेट्स गो डाउन नाउ। पूरा जंगल का रास्ता है, सीधे कुछ लोग हैं जो ट्रैक 2 दिन करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है नीचे एक बेस में एक विलेज है, नॉनग्रेट विलेज, वहाँ पे आके कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको है ना यहाँ पे जो जंगल के कीड़े रहते हैं उसका आवाज़ आ रहा होगा किर ऐसे। ओके सो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये ट्रैक जो है अगर आपको एक ही दिन में करना है, रात में स्टे नहीं करना है यहाँ पे बेस विलेज में, तो सुबह 7-8 बजे आपको ये ट्रैक चालू करना है, सो दैट यू कैन गो बैक। रास्ता देखो, ये रास्ता कैसे दिख रहा है। ये इसलिए ऐसे है कि यहाँ से कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा। जो मोस्ट पॉपुलर रूट है वो जो है वो है तेरगा विलेज से, और हम जिस रूट से जा रहे हैं तो ये रूट काफ़ी मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट है। बट अभी एक बैंगलोर से लेडी आ रही थी तो शी सेड की वो दूसरा वाला जो है वो काफ़ी स्टीफ है। तो लेट्स एक्सप्लोर अभी कैसे देखते हैं। आगे है ना ये पर एक होटल है, पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं। वहाँ पे वाइट कलर का एकदम मस्त है, क्या व्यू होगा ना वहाँ से, एकदम मस्त। तो चलते चलते जाते हैं। अभी रास्ता जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। ये कैमरा ऐसे पकड़ा है क्योंकि एक स्टिक था उसके ऊपर लटकाया है। सो लेट्स गो। बहाव का आवाज़ आ रहा है। ये जो मैं खड़ा हूँ यहाँ से राइट साइड में एक छोटी सी जगह दिख रही है जहाँ पे वो बंदा जानबूझ के खड़ा था, देखा आपने। ध्यान रखना आगे क्या हो रहा है इस यहाँ से। अभी कितना दूर है? कितना दूर है? डबल डेकर? हाँ। योर नेम? हाँ? अरे आ जाओ, शर्मा मत। क्योंकि भैया बोल रहे थे कि हम रॉन्ग वे से आ रहे हैं। लेट्स गो। ओके वहाँ पे अभी दो लोग मिले थे और बोल रहे थे कि हम जो है ये गलत रास्ते से आए हैं। माय गॉड, पता नहीं, बट एक भी रास्ता दिख नहीं रहा था वहाँ पे। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कम ऑन द रॉन्ग वे? रास्ता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इनकेस अगर मैं नहीं मिलूँगा फिर से तो यहाँ से मैं जो है आगे चला गया। बाद में जो है तो चलता गया, मुझे लगा आगे रास्ता मिलेगा, बट आगे चलता ही जा रहा था मैं। और फिर काफ़ी अंदर चला गया, थोड़ा सा डर लग रहा था। प्रफुल के साथ में फ़ोन पे बात कर रहा था। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय। पता नहीं किधर जा रहा है।